कक्षा 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कक्षा 10वीं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं हम। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तब हमें संख्याएं ज्ञात करना है। चलो माना पहली संख्या, एक्स है, तब क्वेश्चन की कंडीशन से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? देखो दो संख्याओं का योग 27 है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27। तो हमको पता है कि पहली संख्या हमने क्या ले ली है, एक्स ले ली है। ये तीर का निशान आसानी से समझने के लिए लगाया गया है, बट ये लगाना जरूरी नहीं है। तो पहली संख्या हमारे पास एक्स है, प्लस दूसरी संख्या तो हमको पता नहीं है, तो दूसरी संख्या जैसे कि वैसे लिखता हूँ, दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27। अब इसका अगर ट्रांसफर हम उधर उस साइड कर देंगे तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएंगी और सिंपल दूसरी संख्या निकल के आ जाएंगी। दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी है, इसीलिए हम इसको केस फर्स्ट भी बोल सकते हैं। अब हम केस सेकंड को देखते हैं। केस सेकंड में क्या होगा? और गुणनफल 182 है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो चलो करते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट संख्या एक्स है, सेकंड संख्या 27 माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे? एक्स 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम इसका ट्रांसफर इसवर कर देंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगी और क्या हो जाएंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बट हम इसको और द्विघाती समीकरण के रूप में अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले डालो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और सामने माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करें, चिन्ह को हटाने के लिए पूरे समीकरण में माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जहां माइनस था वहां प्लस हो गया, जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, हमारे पास अब एक द्विघाती समीकरण बन के आ गया। हम इसका मिडिल पद तोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण में x का मान आ जाएगा। अब देखो हम मिडिल पद को कैसे निकाले, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, इसका गुणनफल करने पे 182 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 27 आना चाहिए। उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक संख्या ऐसी है 14 और 13 को हम ऐड करेंगे, माइनस 14 माइनस 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 182 आ जाता है। तो यही संख्या लेंगे हम, इसको एडजेक्टिव लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 2 का पेयर बना लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 2 का पेयर बनाएंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 13 बचेगा और यहाँ पे माइनस 14 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा x। जब बाहर माइनस निकल जाता है तो अंदर का चिन्ह भी चेंज हो जाता है, यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाता है तो ये माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पे दो सेम रहते हैं उसको एक बार लिख देते हैं गुणनफल को, एक्स माइनस 13 और ऐसे ही x माइनस 14, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस 13, इसे नहीं लिखना है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो x क्या मान क्या जाएगा, 13।
ऐसे ही इसको हम करेंगे जीरो के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14 हम लास्ट में लिख सकते हैं। अतः वे दो संख्याएं 13 एंड 14 होंगी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।